जो 2.5 लाख से ज्यादा गरीबों को जन धन योजना के जरिए बीमा के जरिए महफूज है, जो धुएं से बेहाल थी, उनसे ज्यादा खवातीन तय कर रही हैं हर घर जल। आज जम्मू कश्मीर के नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद। आयुष्मान कार्ड जैसे ही मैंने एंटर किया, उन्होंने मेरा फ्री ट्रीटमेंट शुरू किया। आयुष्मान कार्ड ऐसे लिए गए जिदे विच ऑपरेशन का कोई खर्चा नहीं होया, बिल्कुल मुफ्त होया सारा। तो इस आयुष्मान योजना का हमने बहुत अच्छा फायदा लिया है। हमारा भारत जिंदाबाद, हमारा भारत जिंदाबाद। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। वंदे वंदे मोदी सरकार दी स्कीम है, बार चलो के दसाने अच्छा। पूरे देश च मेट्रो ट्रेना भी चलाई दिया। पहले अस पुरानी शिक्षा नीति के तहत पढ़ते, हूं तो नवी शिक्षा नीति भी आई गई है। मोदी सरकार दी क्यों आई? बल्ले बल्ले मेरा नाम सुनंदा शर्मा, मैं गांव कमाला की रहने वाली हूँ। पहले मैं बड़ी दुखी थी, लकड़ियाँ जलानी पड़ती थी और अपने बच्चों को पहले ही पका के रखनी पड़ती, ठंडी रोटी देनी पड़ती थी। अब मुझे ये है कि मेरे बच्चे स्कूल से आते हैं तो गर्म खाना बना के देना पड़ता है, तो मुझे बड़ी खुशी है कि बच्चों को हर चीज़ की फैसिलिटी मोदी सरकार की वजह से मिल रही है। मेरा नाम रितुका बसन है, मैं दबुज में रहती हूँ। मुझे पहले इसके बारे में कुछ नहीं पता था, जब मैं उम्मीदवार बार से जुड़ी मुझे कई चीज़ों की जानकारी का पता चला। मैं खुद भी काम करती हूँ और अपने साथ कुछ लेडीज़ को भी काम दिलवाती हूँ और उनकी ज़रूरतों को पूरी करती हूँ। पहले उनको भी कुछ नहीं पता था, जब से हम निकले हैं बाहर आएंगे और अपने परिवार का भी कुछ खर्चा चल रहा भी हमारा इसी से, उम्मीद परिवार में हमें बहुत फ़ायदे दिए। मेरा नाम विशाली भगत है, मैं दबुज शहजादा से हूँ। जब मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई तो मैं अपने आंगनवाड़ी सेंटर में गई अपना नाम रजिस्टर करवाने, जिसमें मेरी आंगनवाड़ी वर्कर ने मेरे को PMMVY स्कीम के बारे में अवेयर करवाया। फिर मैंने अपने फॉर्म सबमिट किया, जिससे मुझे टोटल 3 इंस्टॉलमेंट में 5,000 का फ़ायदा हुआ। मेरा नाम पुरुषोत्तम सिंह है, मैं कमाला गांव का रहने वाला हूँ। पहले हमारे पास पैसे नहीं होते थे, हम नहीं खाद ले पाते थे, नहीं कुछ टाइम की खेती बाड़ी कर पाते थे। अब से जब हमारे अकाउंट में एक साल से 6,000 रुपया आ रहा है, हम अच्छे ढंग से खेती बाड़ी कर रहे हैं। मेरा नाम साक्षी दुबे है, मैं गांव कमाला से हूँ। मुझे एक्चुअली स्टोन की प्रॉब्लम थी तो मैंने अपडेट करवाना था, तो मैं इतना, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इतना नहीं था कि मैं इतने सारे पैसे अफोर्ड करवा कर सकती। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो आयुष्मान की सुविधा हमें दी है, इससे बढ़कर मैं समझती हूँ कि और कोई भी सुविधा नहीं है, ये हमारे लिए एक गॉड गिफ्ट है। तो मैं प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज सांबा जिले की 96 पंचायतों को कवर कर चुकी है और इस मौके पर कई लोग इसका लाभ ले रहे हैं और इस समय कई लाभार्थी अपने अपने बारे में बता भी रहे हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए सांबा से मैं सतपाल शर्मा।